देखो एक बात तो आप बच्चों ये समझो, आपको परसेंटेज का रिवीजन डेली करना है। डेली जितनी परसेंटेज इतनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस CISI स्ट्रांग होगा। तो उसको ना आप डेली रिवाइज करना, और सेम जो भी आपके पास PPT PDF जो भी कुछ है क्लास प्रेजेंटेशन, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करना। नया कुछ भी मत परचेज करना, क्योंकि जो आप नया परचेज करोगे फिर एक दिन आप उसको भी कर लोगे, फिर से नया परचेज करोगे, तो बच्चों फिर तुम उसी में लगे रहोगे। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको परसेंटेज में करा दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था? प्राइस के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। भाई ये कॉन्सेप्ट आपको कराया था परसेंटेज में, प्राइस के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। और जो आपने परसेंटेज में करा था वही सब फॉलो होगा डिफरेंट डिफरेंट वे से। गुड आफ्टरनून रवनीत। देखो आपके पास कोई मैन है, उस मैन ने 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करा। कोई मैन है, उस मैन ने 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करा। तो आपको फाइंड आउट करना है 10% प्रॉफिट गेन करने के लिए उसको 1 रुपीज में कितने ऑरेंजेस को सेल करना पड़ेगा। तो बच्चों प्रोसेस वही होगा अपना, 10% की फ्रैक्शन बताओ, 1/10 1/10। ये जो पर्सन है इसको प्रॉफिट होगा 10%। तो मतलब अगर इसका ओरिजिनल प्राइस होगा आपके पास 10 रुपीज, तो न्यू प्राइस कितना होगा? भाई सब कुछ परसेंटेज ही है। अगर आपके पास ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपीज, तो न्यू प्राइस कितना होगा? 11। अब प्राइस के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। प्राइस के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में 11 की वैल्यू गिवन है, 11 11 की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको 11। मतलब ये जो मैन है इसने 11 ऑरेंजेस को परचेज करा, 11 की वैल्यू है 11। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? वन की वैल्यू होगी 1। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10। प्राइस का रेशियो है आपके पास 10:11, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 11:10। अब 11 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 11, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10। मतलब अगर ये मैन 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करे और 1 रुपीज में 10 ऑरेंजेस को सेल करे, तो ये जो मैन है इसको 10% प्रॉफिट होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस आप एक बात समझ लो, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना, आप 100% तभी फेल होगे। ये सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें वहां भी कराया था और ये यहां भी, और ये आगे भी आएगा, ये सेम कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा। चेंज हो के बस यही सब चलता रहेगा। तो बच्चों इस कॉस्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? तो चेंज हुआ ही नहीं ना यहाँ पर, वो 1 रुपए ही बोल रहा है ना बाद में भी। हाँ तो 1 रुपया तो कॉस्ट हमने चेंज करी कहाँ है? 1 रुपये में उसने 11 परचेज करे, 1 रुपये में 10 सेल कर दिए, कॉस्ट हमने थोड़ी ना चेंज करी है। कॉस्ट तो हमने भी चेंज नहीं करी। ओके सर। देखो एक बार फिर से समझ लो, देखो सबसे पहले आपको एक बात पता है, प्राइस के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। सबसे पहले आप ये बात समझो, अगर आपके पास प्राइस का रेशियो आ गया, अगर आपने किसी भी मेथड से प्राइस के रेशियो को फाइंड आउट कर लिया और आप उसको रिवर्स कर दोगे, तो आपके पास कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा।
भाई आप इसको ऐसे ही तो कर सकते हो भाई, आप किसी भी मेथड से करो, लेकिन आपको प्राइस का रेशियो तो फिर भी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। अब देखो प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। तो सपोज ये जो ऑरेंजेस हैं इनका ओरिजिनल प्राइस होगा 10। वैसे यहां आपको ना प्राइस की कोई नीड ही नहीं है, बस प्राइस की इतनी नीड है प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। प्राइस का रेशियो हो गया आपके पास 10:11, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 11:10। अब आपको क्वेश्चन में 11 की वैल्यू गिवन है 11, 11 की वैल्यू गिवन है 11, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10। सपोज ये जो 11 है इस 11 के प्लेस पर 22 होता, तो यहां पर कितना हो जाता? 22। फिर आपके पास 1 की वैल्यू कितनी होती? 1 की वैल्यू फिर आपके पास 2 होती, तो 10 की वैल्यू कितनी होती? 20। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बस अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, आपको कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। बस आप प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लो, उसका रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा बस। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? सर हाँ बोलो। जैसे इसमें अगर कहीं कुछ और मतलब बीच वाले की वैल्यू पूछे जैसे 5% तो पूछ लेता फिर नहीं ऐसे नहीं पूछेगा, सर। हम जो वो वाले क्वेश्चन करते थे कंजम्पशन वाले यही वाले कॉन्सेप्ट पे सर, उसमें तो होता था ना कि मतलब 20% लेस कर दी लेकिन मतलब इसमें ऐसा वो क्वेश्चन नहीं उसमें तो। बनेगा, ओके इसमें ऐसा सर क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कॉपी होगा वहां से यहां, बस इतना ही कॉन्सेप्ट कॉपी होगा प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन का रेशियो। तो आप हर एक उस क्वेश्चन को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, वो अलग चीज है, ये अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। अभी तो ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, करो इसको ट्राई। देखो आपके पास एक मैन है, अगर एक वो मैन 1 रुपीज में 12 ऑरेंजेस को सेल करेगा तो उसको लॉस होगा 20%। तो आपको फाइंड आउट करना है वो 1 रुपीज में कितने सेल करे जिससे उसे 20% प्रॉफिट हो। प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो बस भाई, उसे 20% लॉस हुआ तो इसका मतलब प्राइस का रिमेनिंग रेशियो कितना बचा होगा? 80%। देखो प्राइस है आपके पास 100, ये जो पर्सन है इसको लॉस हुआ 20%, तो इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 80%। अब आपको फाइंड आउट करना है अगर ये इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करे तो इसे 1 रुपीज में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे। इसका मतलब अब की बार आपको रेशियो लेना है 8 और 120 का, क्योंकि आपको ये 80 वाली वैल्यू गिवन है 12। भाई उसने 20% लॉस पे सेल करा है 12 ऑरेंजेस को, मतलब ये 80 वाली वैल्यू गिवन होगी आपको 12, और आपको ये 120 वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो 80 और 120 का रेशियो कितना होगा? 2 और 3। प्राइस का रेशियो है आपके पास 2 और 3, कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? प्राइस का रेशियो है 2 और 3, कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 3 और 2। उसके बाद आपको क्वेश्चन में 3 की वैल्यू गिवन है 12,
थ्री की वैल्यू है 12, तो वन की वैल्यू कितनी होगी हो गया। बताओ बच्चों, फोर, वन की वैल्यू है आपके पास फोर, तो टू की वैल्यू कितनी होगी एट। इसका मतलब अगर ये मैन 1 रुपीज में 12 ऑरेंजेस को सेल करेगा तब इसको 20% लॉस होगा, और अगर ये 1 रुपीज में 8 ऑरेंजेस को सेल करेगा तब इसको 20% प्रॉफिट होगा। और ये कॉन्सेप्ट समझने वाला ही है, आप इसको कभी भी ना रट नहीं सकते, इस पे प्रैक्टिस करो बहुत बार। रिया बताओ फिर से क्या बताना है। हिमांशु आप म्यूट करो। देखो आपके पास प्राइस का रेशियो कितना है 80 और 120, क्योंकि आपको ये 80 वाली वैल्यू गिवन है 12। भाई ये जो आपको 12 ऑरेंजेस गिवन है ये 80 वाली वैल्यू गिवन है ना 12, तो इसका मतलब आप 80 और 120 का रेशियो फाइंड आउट करो, इनका रेशियो कितना होगा 2 और 3। प्राइस का रेशियो है आपके पास 2 और 3, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा 3 और 2। उसके बाद 3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। बच्चों कोई डाउट? देखो जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी थोड़े दिन, सर उसमें आंसर क्या था? एट ऑरेंज, उसको 20% प्रॉफिट के लिए 8 ऑरेंजेस को सेल करना पड़ेगा। अब देखो ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में 99% आएगा ही आएगा, करो इसको रीड। ये जो प्राइस और कंजप्शन वाले हैं ना, अगर इनमें ना बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे तो इनमें हमेशा ही फंसे रहोगे। बस प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो, रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा और आपको जरूरत भी बस उतनी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो हमारे पास बच्चों 3 टर्म्स होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। हमारे पास 3 टर्म्स होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ए मैन गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, तो आप और सब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, 25% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों कितनी होगी? 1/4। 99% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो अगर आपके पास मार्क प्राइस होगा 4, सपोज मार्क प्राइस है 4 और आपने इस पे कितना डिस्काउंट पे करा 1, मार्क प्राइस है 4 डिस्काउंट दिया 1, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा 3। ए मैन गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गेन्स 30% प्रॉफिट, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? थ्री बाय टेन। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, आपको कितना प्रॉफिट हुआ 3। कॉस्ट प्राइस है 10,
प्रॉफिट हुआ 3, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस है 10, प्रॉफिट हुआ 3, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? भाई अगर किसी को डाउट हो तो बच्चों बताओ। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस एक काम करना है, जो भी टर्म कॉमन है उसको इक्वल कर दो। भाई आपके पास 3 वेरिएबल है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। जो भी आपके पास इन तीनों में दो एक वेरिएबल ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, बस आप उसको इक्वल कर दो। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास 3 और 13 आ रहा क्या सर? कितना? 210 सेलिंग प्राइस। अभी देखते हैं कितना होगा। डिस्काउंट ना, डिस्काउंट 70 आ रहा है। अभी देखते हैं कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों में आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो बस आप इस सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो। अब इक्वल कैसे करोगे? 3 में मल्टीप्लाई करो आप 13 से। वैसे ये रेशियो का पार्ट है, यहाँ बस आप इतना ही समझ लो, 3 में मल्टीप्लाई करो आप 13 से, तो आपको इस 13 की मल्टीप्लाई को 4 में भी करना पड़ेगा, और 13 में मल्टीप्लाई करो आप 3 से, तो ये 3 की मल्टीप्लाई आपको 10 में भी करनी पड़ेगी। तो यहां से आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया 30, 39 और 52। बच्चों यहां तक कोई डाउट? देखो कॉस्ट प्राइस है आपके पास 9, सेलिंग प्राइस है 39, तो बच्चों आपको कितना प्रॉफिट होगा? कॉस्ट प्राइस है 9, सेलिंग प्राइस है 39, तो कितना प्रॉफिट होगा आप सबको? 9 आपको प्रॉफिट होगा। 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 90 रुपीज एज ए प्रॉफिट। 9 की वैल्यू गिवन है बच्चों 90, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? वन की वैल्यू होगी 10। तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्काउंट। तो आप ये बताओ, मार्क प्राइस है आपके पास 52, सेलिंग प्राइस है 39, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 13। आपने कितना डिस्काउंट पे करा? 13। 1 की वैल्यू है 10, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 130। तो इसका मतलब आपने कितना डिस्काउंट दिया? 130 रुपीज। अब बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? जो भी वेरिएबल आपके पास कॉमन होगा बस आप उसी को इक्वल करोगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। देखो 1 की वैल्यू है 10, आपने कितना डिस्काउंट दिया रवनीत? मार्क प्राइस है 52, सेलिंग प्राइस है 39, आपने कितना डिस्काउंट दिया? 13। 1 की वैल्यू है 10, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? भाई बच्चों मैं आपसे बार बार पूछता हूं तब आप नहीं बताते, जब क्वेश्चन पूरा हो जाता फिर आपको डाउट कैसे आते हैं? पहले अब आप मुझे ये बताओ। मैंने हर एक स्टेप लिखने के बाद आपसे पूछा कोई डाउट, तब आपको कोई डाउट नहीं आया, लेकिन लास्ट में जब आंसर आया तब आपको डाउट आ गया।
तो बच्चों ऐसे थोड़ा फोकस रखो आप, एक ही क्वेश्चन होता रहेगा तो फिर तो हो गया काम। देखो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल कॉमन है बस आप उसको इक्वल करोगे और आपको कुछ भी नहीं करना। देखो इन दोनों में आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन है तो आप बस सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो, 3 में मल्टीप्लाई करो 13 से, तो 13 से मल्टीप्लाई आपको 4 में भी करनी पड़ेगी, उसके बाद 13 में मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई 10 में भी करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपके पास 30, सेलिंग प्राइस कितना होगा 39 और मार्क प्राइस कितना होगा 52। बच्चों अब कोई डाउट बोलो, बच्चों अब तो बोलो कम से कम। और बच्चों अगर कोई डाउट हुआ करे ना तो साथ के साथ बताया करो, एक क्वेश्चन 10 मिनट में होता है, फिर आप लास्ट में लिख देते हो रिपीट, तो जिस बच्चे को समझ आ गया उसका तो 10 मिनट पूरी बेकार गई। इसलिए अगर कोई भी डाउट है ना तो आप वहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जब आंसर आ जाएगा आपको तभी डाउट लिखना है, क्योंकि ये दिक्कतें जरूर होती हैं कुछ बच्चों के साथ। अब एक बच्चे को तो एक चीज को बार बार समझना पड़ रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस है 9, सेलिंग प्राइस है 39, आपको कितना प्रॉफिट होगा बताओ बच्चों, आप सब बोलो। कॉस्ट प्राइस है 30, सेलिंग प्राइस है 39, नहीं कितना नहीं प्रॉफिट होगा 9, और नाइन आपको 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 90, नाइनटी सर, 90, तो वन की तो वैल्यू 10 हो गई। 1 की वैल्यू होगी 10। और आपको फाइंड आउट करना है कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। भाई मार्क प्राइस है आपके पास 52, सेलिंग प्राइस है 39, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया 13, 13 का 1 की वैल्यू है 10, तो 13 की वैल्यू कितना होगी 130, 130। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तभी बताया करो। क्योंकि फिर वो क्वेश्चन पूरा हो जाता है, वो फिर से पूरा बताना। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वो पहली बार में समझ आ गया, उसकी फिर से 10 मिनट खराब होंगे 1 घंटे की क्लास में। तो बच्चों आप भी थोड़ा ध्यान रखो, और उसमें कि मैं हर एक लाइन लिखने के बाद आपसे पूछता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब इसको रीड करो। और एकदम इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से ट्राई करो। और जो स्टूडेंट न्यू है बच्चों, आपको कुछ बातें समझ आ रही हैं, वैसे आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी बातें समझ आएंगी क्योंकि आपका इससे पहले वाला चैप्टर मिस हो गया। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट हो तो आप बता देना। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। देखो आपने कितना डिस्काउंट दिया 10%, तो 10% की फ्रैक्शन बताओ, 1/10। 1/10। देखो अगर आपके पास मार्क प्राइस होगा 10,
तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? ये जो आप 10 से 9, 9 से 8, ये तो हम अपनी फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं एकदम, और ये लास्ट तक चलता रहेगा ऐसे ही। मार्क प्राइस है आपके पास 10, सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। 10% डिस्काउंट के बाद ही गेन्स 30% प्रॉफिट, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 3। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 30। बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट? अगर कोई प्लीज हो तो प्लीज बता देना। देखो अब आपके पास दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस कॉमन है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखो आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो बस आप सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो। नाइन में मल्टीप्लाई करो आप 13 से, तो ये 13 से मल्टीप्लाई आपको 10 में भी करनी पड़ेगी। उसके बाद 13 में मल्टीप्लाई करो आप 9 से, और उसके बाद ये 9 से मल्टीप्लाई आपको 10 में भी करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा आपके पास? 90। सेलिंग प्राइस कितना होगा आपके पास? 117। और मार्क प्राइस कितना होगा? 130। बच्चों यहां तक कोई डाउट? अब देखो इसके बाद आपको गिवन है ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1170, मतलब 117 की वैल्यू गिवन है आपको 1170। तो बच्चों वन की वैल्यू कितनी होगी? 10। वन की वैल्यू 10 होगी, और ये भी 130 कितना होगा? 900। और मार्क प्राइस कितना होगा? 1300। बच्चों इसमें कोई डाउट? कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 900, सेलिंग प्राइस आ गया 1170, और मार्क प्राइस आ गया 1300। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो आर्टिकल है अगर इस आर्टिकल को आप मार्क प्राइस पे सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो आप ये बताओ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 900, सेल करना है आपको 1300 पे, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 400। और हाँ बोलो 400। अनुराग आप कुछ बोल रहे हो? तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 400। और कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 1300। कॉस्ट प्राइस है बच्चों 900। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 4/9। और 4/9 की परसेंटेज कितनी होगी बच्चों? 44/9%। पूरी परसेंटेज आपको यही बात समझाते समझाते निकल गई बस इसी दिन के लिए। 4/9 देखते आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए 4/9 = 44/9%। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ये था इसका बेसिक मेथड, बिल्कुल अनमोल, लेकिन इसका बेसिक यही था, बेसिक तो
देखना ही पड़ेगा एक बार। बताओ बच्चों। हेलो। हाँ बोलो। मुझे बस क्लैरिफाई करना था, पिछली बार आपने समझाया था कि 4.9 का परसेंटेज वो डिवाइड करके ये 44 आया ना? आपको परसेंटेज में कराया था ना, 1/9 आपके पास है। हाँ जी सर, वही मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। हाँ बस उसी से आया ये, 1/9 आपके पास है, 4/9 फाइंड आउट करना है। नहीं आप तो डायरेक्टली कर लेते हो सर, हमें तो डायरेक्टली देखना है। लो फिर मैं आपको भी करा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 1/9 कितना होगा बच्चों? करो बच्चों आप सब 4/9 फाइंड आउट। कृतिका ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी डाउट है आप बोलो। 1/9 आपके पास है, आप मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा 4/9। अब इस 4 के मल्टीप्लाई आप 11 में भी करोगे और 4/1 में भी करोगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा 4/9 और राइट हैंड साइड में कितना होगा 44 4/9%। कृतिका अब आप समझ गए बात? और बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना अभी। फोर हंड्रेड कैसे आया? देखो मनीषा, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर इस आर्टिकल को हम इसके मार्क प्राइस पे सेल करें, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ये जो आर्टिकल है अगर इस आर्टिकल को हम मार्क प्राइस पे सेल करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 900, सेल करना है आपको 1300 पे, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 400। तो बच्चों ये तो इसका बेसिक मेथड था। देखो आपको एक फॉर्मूला नोट कराया होगा, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस, तो आप ये बताओ आपने कितना डिस्काउंट दिया? 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 90। भाई आपने डिस्काउंट दिया 10, मतलब डी की वैल्यू है आपके पास 10%। डी की वैल्यू है आपके पास 10, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। तो बच्चों मार्क प्राइस कितना होगा? 130। अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 9 और आपको इस आर्टिकल को सेल करना है मार्क प्राइस पे, तो कितना प्रॉफिट होगा? 40। और प्रॉफिट होगा आपको कॉस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40/90 और 4/9 कितना होगा? 44 4/9%। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो बच्चों अभी ये क्वेश्चन समझ आया, एग्जाम में इसे आपको इस मेथड से करना है। और देखो इस क्वेश्चन का 19 और 20 इनके बेसिक को आप जरूर अच्छे से करना जरूर, क्योंकि एक क्वेश्चन इनके बेसिक से जरूर आएगा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, करो इसको रीड।
बताओ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ अनिमेश, आप ही बता सकते हो। क्षितिज और सर 2000 आ रहा है क्या आंसर? कितना? हाँ बिल्कुल 2000 2000 ही होगा। बताओ कैसे सॉल्व करा भाई, सब बच्चे ट्राई करो। पहले तो क्या किया कि ये 3500 बुक हैं, 500 तो फ्री दे दी, वो हटा दी, बची 3000। अब 29 बुक पर एक फ्री है, तो 3000 बुक जो रिमेनिंग है उस पे 300 बुक मतलब कितना होगा? 100 बुक फ्री डिवाइडेड बाय 30, 100 बुक फ्री, तो 2900 बुक बची जो कि हम पैसे में बेचेंगे, तो 2900 इनटू 160 इनटू 3/4। बिल्कुल एकदम करेक्ट भाई। हमारे पास एक लड़की और है, क्या नाम है उसका? संभवी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपके पास टोटल बुक्स कितनी है? 3500। अभी अंडर प्रोसेस। देखो आपके पास टोटल बुक्स हैं 3500 और आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है? तीन लाख पचास हजार। आपके पास टोटल बुक्स हैं 3500 और आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है 350,000। अब आपने क्या करा, 500 बुक्स को तो फ्री में दे दिया। आपके पास टोटल बुक्स हैं 3500, अब इसमें से आपने 500 बुक्स को तो फ्री दे दिया, तो आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची बताओ बच्चों? आपके पास टोटल बुक्स हैं 3500, अब इसमें से आपने 500 बुक्स को दे दिया फ्री, तो आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? 3000। आपके पास रिमेनिंग बुक्स बची 3000। अब उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप एवरी 29 बुक परचेज करते हो तब आपको वन बुक फ्री मिलती है। जब आप 29 बुक्स को परचेज करोगे तब आपको वन बुक फ्री मिलेगी। इसका मतलब जब आप टोटल 30 बुक परचेज करोगे तो उसमें से एक बुक फ्री होगी ना भाई। जब आपने 29 बुक्स को परचेज करा तो आपको एक बुक फ्री मिली। इसका मतलब आपके पास जो 30 बुक्स हैं उसमें से एक बुक तो आपके पास फ्री है। तो आप ये बताओ भाई, आपको हर 30 बुक पे एक बुक फ्री मिलेगी, तो आप ये फाइंड आउट कर लो इस 3000 में 30 कितने टाइम्स आएगा भाई। देखो आपने 30 बुक में एक बुक फ्री मिल गई, फिर से अगले 30 पे फिर एक बुक फ्री मिलेगी, फिर 30 पे फिर एक बुक फ्री मिलेगी। इसका मतलब इस 3000 में जितने आपके पास 30 होंगे उतनी आपको बुक फ्री मिलेंगी। तो आप इस 3000 को 30 से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब 100 बुक मिली आपको फ्री। आपके पास बुक्स थी 3000, अब उसमें से भी 100 बुक्स फ्री मिली, तो अमाउंट आपने कितनी बुक्स का पे करा होगा? अब बताओ बच्चों, यहां तक किसको समझ नहीं आया और बता दो बच्चों दिल खोल के। सर मेरा क्या हुआ दीपक? कनेक्टिविटी टूट गई थी सर। फिर से समझो तो, अगर कनेक्टिविटी टूट जाती है ना तो स्टार्टिंग में बता दिया करो। हाँ सर, जस्ट अभी कनेक्ट करके तुरंत बताया मैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये बताना बहुत इजी है, फिर लास्ट में जब पूरा आंसर आएगा तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके पास बुक्स हैं 3500, अब इसमें से 500 बुक्स तो फ्री दे दी, तो आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? 3000। अब इसके बाद भी जब आप 29 बुक्स को परचेज करोगे, जब आप 29 बुक्स को परचेज करोगे तब आपको वन बुक और फ्री मिलेगी।
इसके बाद भी एक कंडीशन है, जब आप 29 बुक्स को परचेज करोगे तब वन बुक फ्री मिलेगी। इसका मतलब जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी, जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक तो आपके पास फ्री वाली होगी ना। आपके पास टोटल जब 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक तो फ्री वाली होगी, तो आप बस ये फाइंड आउट कर लो इस 3000 में ये जो 30 है ये कितने टाइम्स आएगा। तो आप 3000 को 30 से डिवाइड करो, आपके पास आएगा 100। आपके पास टोटल बुक्स थी 3000, अब उसमें से भी आपने 100 तो फ्री में दे दी, आपके पास रिमेनिंग कितनी बची, 2900। अब इन बुक्स का भी मार्क प्राइस है आपके पास 160, मार्क प्राइस है 160, और आपने इस मार्क प्राइस पे भी 25% डिस्काउंट दिया, आपने इस मार्क प्राइस पे भी 25% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब अब इसका प्राइस होगा कितना, 160 × 3/4। भाई अगर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया तो अब इसका प्राइस रिमेनिंग कितना बचा होगा, 75%। कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सेलिंग प्राइस यहां से आ जाएगा, डिस्काउंट लॉस बताना है कितना होगा, लॉस या प्रॉफिट। तो बच्चों आई कुछ बात समझ, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। देखो 3/4 ऐसे आया, आपने 25% का डिस्काउंट पे करा तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा होगा, 75%। देखो आपके पास मार्क प्राइस है 160 और आपने इस पे डिस्काउंट दिया 25%, तो 160 का 25% कितना होगा, 160 का 25% कितना होगा, 40। तो आपने डिस्काउंट दिया 40 रुपीस का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। भाई मार्क प्राइस है 60, 40 रुपीस पर का दिया आपने डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। तो बस आपने यही करा है, ये कॉस्ट प्राइस है आपके पास 3,50,000, सेलिंग प्राइस कितना होगा आपके पास 8, और उसके बाद कितना होगा ये 4, और ये कितना होगा 3। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 3,50,000, सेलिंग प्राइस है 3,48,000, तो कितना लॉस होगा, दो हजार। तो बच्चों आई कुछ इस क्वेश्चन की कहानी समझ, इसमें किसी को कोई डाउट?